विरोधिनय मर्दनम् विवक्षितु वादनम् परिग्रह मोचकम् अहिंसा घोषकम् जयतु जिन शासनम् जयतु जिन शासनम् जयतु जिन शासनम् जयतु जिन शासनम्। राजा श्रेणिक वहां पहुंचा, सुन रहे हो, और उसने वहां जाकर के यही कहा। जैसे ही उसने ये बात वहां पर मुनि महाराज के समक्ष कही तो महाराज तो आंख बंद किए बैठे ही थे, समझ आ रहा, परिणाम गिरते जा रहे थे। और जैसे ही उन्हें ये लगा कि हमें कोई बाहर से कह रहा है नमोस्तु मुनि महाराज नमोस्तु, समझ आ रहा है, तो इतना बोलने से भी मुनि महाराज अलर्ट हो जाते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है, नमोस्तु करने से भी अलर्ट हो जाते हैं। और फिर नमोस्तु होने के बाद में अगर कोई मान लो ये कहने लग जाए कि महाराज आपने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़े, राज दरबार छोड़ा, आपने कितना त्याग किया, आपका त्याग बड़ा प्रशंसनीय है, और आप ऐसे शांत परिणामों से यहां बैठ करके आत्मा का ध्यान कर रहे हो, आपकी ये पर्याय धन्य है धन्य है धन्य है, समझ आ रहा है। कभी कभी श्रावक की स्तुति करने से भी मुनि महाराज के भाव समझ जाते हैं। हाँ, और यही हुआ। राजा श्रेणिक उस समय पर महाराज के पास पहुंचा और यही तरीके से उसने महाराज के सामने, मतलब महाराज तो आंख बंद की ध्यान में बैठे थे, उसने इसी तरीके से महाराज के सामने जो है अपनी महाराज की प्रशंसात्मक बात, बस उन्हें इतना फील कराया कि आप मुनि महाराज हैं, हम आपकी वंदना करने आए हैं, आपको नमोस्तु कर रहे हैं, बस इतना सा उन्हें मनी मन याद आ गया कि बाहर कोई बैठा हुआ हमको नमोस्तु कर रहा है और हमारी मुनि पर्याय के गुणगान गा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहां था, हम क्या सोच रहे थे, समझ आ रहा है। इतना ही सोचते उनके परिणाम एकदम से फिर बदले, और ऐसे बदले कि एक अंतर मुहूर्त में गणधर परमेष्टि कह रहे थे कि अगर तुमने इनको जाकर के वहां नहीं संभाला तो एक अंतर मुहूर्त में इनके परिणाम नरक आयु का बंद करने वाले हो जाएंगे, इतना क्लेश करने वाले हैं ये, और अगर तुमने संभाला तो हो सकता है इनके परिणाम समझ जाएं। और राजा श्रेणिक ने वहां जाकर के उनको संबोधन दिया। संबोधन क्या दिया, उसने तो केवल मुनि महाराज की स्तुति की, और उतने से ही उनको समझ में आ गया, और भीतर ही भीतर उन्होंने एकदम से अपने आप को संभाला कि मैं कहां फिर से मोह का भाव करने लगा, और फिर वो जो है अपने विशुद्धि परिणाम में आ गए, पुनः अपने प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में आ गए, और अप्रमत्त गुणस्थान में बढ़ते बढ़ते एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही उन्हें दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया, और दूसरा शुक्ल ध्यान होते ही उन्हें अंतिम क्षण में ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वहीं खड़े खड़े देखते ही देखते एक ही अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप समझो निमित्त क्या करता है, जो होना है वो तो होना ही है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने गिर पड़े, उसके हाथ पैर टूट जाए तो उसको पड़ा रहने दो, जो होना है सो तो होना ही है, घबरा करके उसको उठा करके तुरंत हॉस्पिटल क्यों ले जाते हो। निमित्त कुछ नहीं कर सकता, उपादान जैसा करेगा वैसा ही होगा, बेटे का खून बह रहा हो, हाथ पैर टूट गए हो, निमित्त कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर का निमित्त कुछ नहीं करेगा, जो होना है वो तो होना ही, जो भगवान ने देखा है उनके ज्ञान में जैसा आएगा अपने आप कोई ना कोई ले जाएगा, उठा ले जाएगा, उसकी हड्डी जुड़नी होगी तो जुड़ जाएगी, खून बंद होना होगा तो हो जाएगा। होता है ऐसा नहीं होता, सिद्धांत की बातें बगाड़ते हो, केवल बस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, धर्म की व्याख्या करते हुए केवल धर्म क्षेत्र के लिए ही बस
है ना, कर्म क्षेत्र में व्याख्याएं बदल जाती हैं। जैसे कि भगवान ने केवल जो है तुम्हें धर्म क्षेत्र के लिए ही कहा है कि जो 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 होगा जब जैसा होगा तैसा हो जाएगा, कर्म तुम्हें अपने करने हैं उसके लिए कभी नहीं कहा भगवान ने कि जो जैसा होगा वैसा हो जाएगा। भगवान की बातें भी अलग अलग होती हैं क्या? द्वारिका जली थी तो वो भी कोई धर्म क्षेत्र की बात तो नहीं थी, वो भी कर्म क्षेत्र की बात थी। दुनिया की हर घटना जैसे एक सिद्धांत से घटित होगी तो फिर वो उसी तरीके से घटित होनी चाहिए। हम जब अपना काम बिगड़ता हुआ देखते हैं तो सब तरीके से सिर से चोटी तक पूरा प्रयास कर लेते हैं और सब तरीके से अपना भाव बना लेते हैं, हर तरीके की हम अपने अंदर एक निमित्त लाने की उपस्थिति भी तैयार कर लेते हैं, और जब धर्म की बात आती है तो भाई जब जैसा होना होगा हो जाएगा। ये क्या बात हुई? निमित्त के अनुसार उपादान में गिरावट भी आती है और निमित्त के अनुसार उपादान में बढ़ोत्तरी भी होती है। उपादान यदि योग्य है तो वह निमित्त के अनुसार अपना हानि भी कर सकता है, और अगर उसके अंदर वह योग्यता है तो वह उसके अनुसार वृद्धि भी कर सकता है। गणधर परमिष्ठी जो उनकी पूर्व जन्म पूर्व की बातों को बता रहे हैं और आगे की वह कोई भी चीज को निश्चितता के साथ क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे उनको तो केवल ज्ञान होना ही है, मेरे ज्ञान में दिख रहा है, तू यहीं बैठा आराम से, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा ही कह देते केवल ज्ञान होने ही निश्चित था तो तुझे जाने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई उन्हें मिल जाएगा समझाने वाला, कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा उनके पास में, तू यहीं बैठा आराम से, तू चिंता मत कर उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कहा? ये भी कहा कि अगर एक अंतर मुहूर्त तक उनको नहीं कोई संबोधन देगा या नहीं कोई उनके लिए बताने वाला होगा, कोई निमित्त नहीं मिलेगा तो उनके परिणाम में एक अंतर मुहूर्त के बाद में अशुभ वायु का बंद भी हो सकता है, और एक बार अशुभ वायु का बंद हो गया तो फिर उस जन्म में केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। समझ आ रहा? कितना बड़ा ये परिवर्तन होता है निमित्तों के माध्यम से, ये समझने की जरूरत है। निमित्त अगर बिगाड़ करते हैं तो निमित्तों के माध्यम से जीवन सुधरता भी है, इसीलिए कहा जाता है कुसंगति से बचो, अच्छी संगति में आओ। समझ आ रहा है? अगर निमित्त कुछ नहीं करते हैं तो छोड़ दो बेटों को बेटियों को कहीं भी, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गंदे स्थानों में, निमित्त कुछ नहीं करते हैं, उनका बिगाड़ होना होगा तो होगा, नहीं अच्छा ही होना होगा तो उनका पुण्य उनके साथ में, उनका कुछ नहीं होगा, ऐसा किया जाता है क्या? हमेशा संगति को अच्छी बनाओ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगति के अनुसार ही आपके परिणाम बनेंगे। कुसंगति को छोड़ोगे तो सत्संगति में आओगे, सत्संगति में आओगे तो अच्छे परिणाम बनेंगे, और कुसंगति में जाओगे तो पुनः परिणाम वैसे ही बन जाएंगे। कॉलेज जाओगे तो कॉलेज की तरह परिणाम होंगे, होटल में जाओगे तो होटल की तरह परिणाम होंगे, मंदिर में जाओगे तो मंदिर की तरह के परिणाम होंगे, सब अलग अलग होंगे। फिल्म देखने जाओगे तो अलग तरीके के परिणाम होंगे, उसमें भी जैसी फिल्म देखोगे वैसे परिणाम होंगे। लड़ाई की मार झगड़े की फिल्म होगी तो उस वैसे ही परिणाम होंगे, दूसरे तरीके की और कोई फिल्म होगी पारिवारिक संबंधी तो वैसे ही परिणाम होंगे, रोने की फिल्म देखोगे तो रोओगे, हंसने की फिल्म देखोगे तो हंसोगे, क्या नहीं होता? निमित्त से ही तो इन परिणामों में अंतर आता है, और निमित्त के अनुसार ही सब जीवों के भावों में परिवर्तन दिखाई देता है। जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं और प्रत्यक्ष सिद्ध हैं उन्हें हम गलत कहें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही चीज को सत्य माना जाता है, गलत नहीं कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से हमें जैसे कारणों से कार्य दिखाई दे रहा है तो आचार्य कहेंगे हाँ यह बात सत्य है, दृष्टांत वही होंगे जो सबकी समझ में आने वाले हों और सर्वत्र घटित होने वाले, उन्हीं के अनुसार ये सब न्याय की व्यवस्था बनी हुई है जो हमारे सामने निमित्तों के अनुसार ही उपादानों में अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक निमित्त मिला, मुनि महाराज तक के भाव गड़बड़ा गए। समझ आ रहा? उनकी तीन व्यक्तियों की चर्चा से
वो निमित्त नहीं मिलता तो अपने आप हो जाता, अपने आप हो जाता नहीं, वो तो जो होना है वो तो होना ही है, ऐसे कैसे होना है? जैसा निमित्त मिल जाता है वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। और ये भी कहा कि अगर एक अंतर मुहूर्त तक इस स्थिति से उबार नहीं हुआ तो वैसे ही जो है उनके परिणाम संकलेश के कारण से नरक आयु के बंदगे हो जाएंगे, लेकिन वह एक अंतर मुहूर्त में ही उनके परिणाम बाहरी दूसरा निमित्त मिला सुधरे, और सुधरे तो इतना सुधरे कि उन्हें उसी समय पर बैठे बैठे एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या समझ आ रहा है? किससे अंतर आ गया? ये निमित्त से, उपादान तो वही था ना, जो संकलेश कर रहा था वही विशुद्धि में कैसे डल गया? किसके कारण से? निमित्त के कारण से। योग्यता तो इतनी हो कि हाँ उसके अंदर किसी के कहने से समझ आ जाए, एक छोटी सी बात भी जो है उसके दिमाग में आ जाए तो महसूस करने लग जाए कि नहीं मैं कहां बैठा हूं, मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इतनी सी भी बात उसके लिए अलर्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। इसको बोलते हैं उपादान की योग्यता। और इसी योग्यता के बल पर उन्हें जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वह राजा श्रेणिक भी देखता रह गया कि देखो एकदम से देव लोग आ गए उनके सामने वंदना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, समझ आ रहा है? और राजा श्रेणिक भी पूजा कर ली, और फिर जो है बाद में जाकर के फिर भगवान के समोसरण में वो जाता है, फिर गड़धर परमेष्ठी के जाकर के फिर चरण छूता है कि वाह भगवान आपने बड़ा अच्छा संबोधन दिया, जो इतना अच्छा दृश्य हमने आज अपनी आंखों के सामने देखा कि देखते देखते मुनि महाराज को मेरे ही आंखों के सामने मेरे संबोधन से केवल ज्ञान हो गया, मुझसे बड़ा सौभाग्य और किसका होगा? समझ आ रहा है कितनी बड़ी बात है? लेकिन वह खुद राजा श्रेणिक कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो एक ये भी बात है, समझ आ रहा है? एक राजा श्रेणिक के संबोधन से मुनि महाराज की परिणति बदल गई है, लेकिन वो अपने लिए, अब ये समझ लो आप, उसका अपना उपादान जैसा होगा वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए अब कोई निमित्त कितना भी कुछ करे, अब उसका उपादान कैसा बिगड़ गया है कि उसको मान लो नरक आयु का बंद हो गया है, मान कि हो ही गया है ना, अब उसको कोई कितना भी संबोधन दे उसको कभी भी व्रत लेने की दीक्षा लेने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि ये नियम है जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वह कभी भी व्रत अंगीकार कर नहीं सकता है। समझ आ रहा है? ये नियम है नरक आयु का, त्रियंच आयु का और मनुष्य आयु का, इन तीन आयुओं का अगर बंद हो गया तो आप कभी व्रत ले ही नहीं पाएंगे, न श्रावक के न मुनि के, ये नियम है, ये आयु के बंद का प्रभाव है। तो जब वह अपने उपादान को किसी भी प्रकार के निमित्तों से नहीं संभाल पा रहा है और वही व्यक्ति खुद निमित्त बन जाता है एक मुनि महाराज के उपादान को संभालने के लिए, कितनी आश्चर्य की बात है। समझ आ रहा है? आप होते तो कह देते पहले तू अपना तो भला कर ले, दूसरे के भले की बात कर रहा है। नहीं समझ आ रहा? अरे इससे क्या मतलब है? अपना भला कर ले, वो अपना भला जितना कर पा रहा उतना ही कर पा रहा है, भगवान के समोसरण में जाता है, पूजा करता है, वंदना करता है, गुड़ियों की स्तुति करता है, सब कर रहा है, लेकिन अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, अब क्या कर सकते हैं? दूसरे के लिए तो रोक नहीं रहा है, खुद उसके बेटे खुद उसके परिवार के बहुत सारे लोग उसी के सामने दीक्षित हो गए, उसी के सामने केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, कुछ नहीं कर सकते, रोक भी नहीं रहा किसी को कि भाई नहीं पहले मैं ही जाऊंगा घर से बाहर तू बाद में जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे तेरी परिणति तेरे हाथ में, तेरे भाव तेरे हाथ में, किसी दूसरे के परिणमन में यदि हम सहयोगी बने तो अच्छी बात है, अगर हम उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी बन रहे हैं तो हमारा निमित्त भी अच्छा कहलाएगा, और अगर हम उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी नहीं बन रहे हैं तो समझना कि सामने वाले के लिए आपका निमित्त जो है एक बुरे निमित्त के रूप में उपस्थित हो गया। क्या समझ आया? निमित्त भी तो अच्छा बुरा होता है, अच्छा निमित्त मिलेगा तो उसके अच्छे परिणमन में सहयोगी बन जाएगा, और बुरा निमित्त मिलेगा तो वैसे ही उसके बुरे परिणमन में सहयोगी बन जाएगा।
निमित्त के अनुसार कार्य होता है, निमित्त के अनुसार उपादान में परिवर्तन आता है, ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहना है कि नहीं देखना है? कौन सी ऐसी घटना है? हर कार्य निमित्त के अनुसार होता है कि नहीं होता? आपने भोजन किया और भोजन करते ही जो है, क्या समझ आया? आपसे जो है बिल्कुल आलस आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि अगर भोजन नहीं मिले तो मैं बिल्कुल अब गिर पड़ने वाला हूं, बिल्कुल भी दम नहीं बची शरीर में, हाँ, और भोजन करते ही ताकत आ जाती है। क्या समझ आया? क्या हो गया? निमित्त ने कुछ नहीं किया, हाँ, आपके उपादान में तो शक्ति थी ही, निमित्त ने कुछ नहीं किया तो आपके उपादान की शक्ति से वो जो है बिल्कुल लाचार क्यों हो रहा था? सोचने की बात है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो वह बोलना हमारा कभी भी जो सामने हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लौकिक दृष्टांतों में भी वही सिद्धांत घटित होता है जो अलौकिक सिद्धांतों में होता है। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये सिद्धांत केवल व्यवहार के लिए है और ये सिद्धांत केवल अलौकिक मार्ग के लिए है। सब सिद्धांत एक ही जैसे, निमित्त उपादान से ही हर कार्य होगा, चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो चाहे संसार मार्ग का कार्य हो, सब काम निमित्त उपादान के संयोग से ही होते हैं। ये सिद्धांत है, जैसा निमित्त मिल जाता है वैसा उपादान की योग्यता भी काम करती है। अब किसी के अंदर योग्यता है तो वह उस निमित्त के अनुसार अपने में परिवर्तन ले आता है, और किसी के अंदर योग्यता नहीं है तो निमित्त कितना भी उसको समझाता रहे नहीं होगा, क्योंकि उसकी उपादान में इतनी योग्यता नहीं है। अब उस राजा श्रेणिक के उपादान में इतनी योग्यता नहीं कि भगवान महावीर स्वामी उसके सामने निमित्त बने बैठे, नहीं समझ आ रहा, गणधर परमेष्टि निमित्त बने बैठे, उनके सामने सब तरीके के द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग सब सुन रहा है, हाँ, फिर भी उसकी इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है कि वो जो है नरक आयु को हटा सके, और वो हट नहीं सकती है। ये क्या हो गया? ये कहलाया कि उपादान की अब ये योग्यता है जिसमें कोई भी अब दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, और वो योग्यता कितनी है तो एक सीमित है। चारित्र के विषय में कुछ भी अब उसके अंदर नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन के विषय में हो सकता है, जितनी उपादान की योग्यता में जितना उसकी योग्यता है उसके अंदर ही वो अपनी तरक्की कर सकता है। सम्यक दर्शन के विषय में तरक्की हो सकती है, सम्यक ज्ञान के विषय में हो सकती है, लेकिन सम्यक चारित्र के विषय में नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन छायक बना लेगा, बन गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान पूरा का पूरा हो जाएगा, यह भी हो गया, लेकिन चारित्र के नाम पर उसमें ताला लगा हुआ है, चारित्र गुण की पर्याय प्रकट नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि तूने नरक आयु का बंध कर लिया। ये कर्म का प्रभाव, यह भी एक निमित्त है, आयु कर्म के निमित्त के कारण से, उसके बंध के कारण से यह जीव कभी भी सम्यक चारित्र को उस पर्याय में धारण नहीं कर सकता है। आप कह रहे हो निमित्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निमित्त तो उपादान को बिल्कुल लॉक कर देगा, समझ आ रहा है ना, हाँ, उपादान हिल नहीं सकता है। अगर नरक आयु का बंद हो गया तो उपादान कहीं नहीं जा सकता, आप कितनी भक्ति कर लो और कितने ही आप समय सार के ध्यान में डूब जाओ, कुछ नहीं होने वाला, नरक जाना तुम्हारे जाना ही है। क्या कर दिया? कर्म भी तो निमित्त है ना, निमित्त ने उपादान की शक्ति को कुंठित किया, उसको लॉक कर दिया, उस पर ताला लगा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे भी निमित्त है कि नहीं? तो ये सब निमित्तों के ही माध्यम से उपादान के अंदर घटित होता है, इसलिए ऐसा एक सिद्धांत मत पकड़ो निमित्त कुछ नहीं करता, जो होता है उपादान से ही होता है, समझ आ रहा है? ऐसा मत कहो, हर काम दुनिया में निमित्त से ही हो रहा है। अगर आयु कर्म का भी बंद हुआ है तो वह भी निमित्त ही है, उस उपादान की शक्ति को रोकने के लिए, समझ आ रहा है? ये बात हमें बताती है कि हम निमित्तों को भी एक क्षमता के अनुसार ही परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हर निमित्त को नहीं बदल सकते। कभी कभी बेटे को हम समझाते हैं तो मान जाता है, हाँ, और कभी कभी हम कितना भी समझाएं वो वही गलती करता है जो पहले करता आ रहा है, नहीं समझ आ रहा। हम उसके सामने कोई निमित्त नहीं भी रखें तो भी वो निमित्त जुटा लेता है, और हम एक बेटा ऐसा है जिसके सामने हजार खराब निमित्त भी पड़े रहते हैं तब भी जो है उनसे बच के चला आता है,
तो क्या मतलब है? जिस निमित्त पर, जिस निमित्त के द्वारा उपादान में कमी आनी है तो वह उपादान में आती है, और जिस निमित्त के माध्यम से उपादान में नहीं आनी है तो नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निमित्त उपादान के लिए कुछ करता ही नहीं है। निमित्त उपादान को अच्छा भी होगा तो बिगाड़ सकता है। समझ आ रहा है? चारुदत्त का नाम सुना होगा आपने, हाँ? क्या करा था उसने? अच्छा खासा, अच्छा भोला भाला इंसान था, समझ आ रहा है ना, और उसके सामने ऐसे निमित्त डाल दिए कि व्यसनी बन गया वो, हाँ? उसी से सब कुछ हुआ। तो निमित्त क्या नहीं करता? हर काम हमारे जीवन में निमित्त से ही देखने को मिलता है। यहां तक कि आप भोजन कर रहे हो, अगर आपने परस्पर में विरुद्ध दो चीजें खा ली तो तुरंत अभी आपको उल्टी दस्त हो जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? निमित्त कुछ नहीं करता। नींबू का रस पी लो, समझ आ रहा है, मौसमी का रस पी लो और उसी के ऊपर दूध पी लो, समझ आ रहा है, फिर देखो क्या होता है। निमित्त कुछ नहीं करता। जो कहे निमित्त कुछ नहीं करता उसको यही पिला दो, समझ आ रहा है ना। हाँ, निमित्त कुछ नहीं करता, तू यही खड़ा रहे ना, निमित्त कुछ नहीं करता, देखता हूँ कैसे कुछ नहीं करता, समझ आ रहा है? ये बातें जितनी आदमी करता है उसका 1% भी अपनी बुद्धि से नहीं सोचता कि हम क्या बोल रहे हैं और वह बात कुछ सत्यता अपनी प्रैक्टिकली कुछ रख रही है कि नहीं रख रही है ना। आचार्य कहते हैं जीव और पुद्गल दोनों निबद्ध हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जीव से भी पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पुद्गल से भी जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दूसरे जीव से अपने जीव पर प्रभाव पड़ता है, अपने जीव से दूसरे जीव पर प्रभाव पड़ता है, अपने जीव से दूसरे पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है और दूसरे पुद्गल से अपने जीव पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा ये आपस में एक परस्पर का संबंध है। इस संबंध को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए उपादान निमित्त की यह कहानी समझ में आने वाली नहीं है। ये हमेशा होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से ही ये सब काम चलते हैं। इसलिए इस लोक में बाकी जो द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो शुद्ध हैं, इनसे तो कोई अपना गड़बड़ होने जाने वाला है नहीं है, समझ आ रहा है? इसलिए ये सब अलग, इनका एक पद बना करके आचार्य महाराज ने इनको अलग रखा है, है? और बाकी जिनसे सुधरना बिगड़ना है वो क्या है? वो जीव और पुद्गल है, इनका आपस में गठबंधन है, समझ आ रहा है? तो आपको पुद्गल पे ही ध्यान देना है, जीव पे ही ध्यान देना है, कौन जीव हमारा हितैषी है, कौन हमें समझा रहा है, कौन हमारे लिए हित की बात कर रहा है, उस जीव की ओर ध्यान दो, कौन सा पुद्गल हमारे लिए योग्य है, कौन सा पुद्गल हमारे लिए लाभ पहुंचा रहा है, कौन सा पुद्गल हमारे शरीर को अच्छा बनाए, मन को अच्छा बनाए, आत्मा को अच्छा बनाए, आप उस पुद्गल पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो, जीवों के पुद्गल पे ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, ये भी पुद्गल है ना, प्रवचन सार ग्रंथ पुद्गल नहीं है, है? और यहीं पर अब एक उपन्यास ला के रख दो तो प्लेटफॉर्म से ला करके, है? वो भी क्या है? वो भी पुद्गल है, वो भी किताब है, वो भी कागज है, ये भी किताब है, ये भी कागज है, अंतर है कि नहीं? इसको पढ़ेंगे, समझ आया, तो सम्यक दर्शन के परिणाम आएंगे, और उसको पढ़ेंगे तो राग द्वेष के परिणाम आएंगे। कितना बड़ा अंतर हो गया। पुद्गल के साथ में ये जीव इस ढंग से बंधा हुआ है, जब तक ये दोनों का आपस में बंधन चल रहा है तब तक हमें ऐसे ही समायोजना करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे पुद्गलों की, अच्छे अच्छे जीव द्रव्यों की, अच्छे अच्छे निमित्तों की, ताकि हमारा भी उसके अनुसार जितनी हमारे अंदर योग्यता होगी तो उसके अनुसार उस निमित्त से हमारे अंदर भी बदलाव आता है, आ जाता है, समझ आ रहा है? अगर योग्यता होगी तो बदलाव आ जाएगा, और अगर आपने कहीं कोई आयु बांध ली है या कहीं कुछ कर लिया है तो फिर भगवान ही मालिक, समझ आ रहा है? फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता तो तब भी कहीं नहीं जाती है। चारित्र के विषय में बंधन है, सम्यक दर्शन के विषय में तो कोई भी बंधन नहीं है, वह किसी भी आयु के बंधने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो सिद्धांत है इससे समझ में आता है कि इन
द्रव्यों से जो भरा हुआ ये लोक है, इसमें हमें किसी भी द्रव्य पर ज्यादा गौर नहीं करना। हितकारी और अहितकारी के रूप में तो हमें केवल जीव और पुद्गलों को देखना है, बाकी तो सब द्रव्य कैसे हैं, शुद्ध हैं, निष्क्रिय हैं। इसलिए वो निष्क्रिय कहलाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी जबरदस्ती क्रिया नहीं करेंगे। और बाकी के जो द्रव्य हैं वो सक्रिय हैं, वो आपके लिए क्रिया करेंगे। सक्रिय का मतलब वो उनके निमित्त से आप में क्रिया होगी और आपके निमित्त से उनमें भी क्रिया होगी, ये सक्रिय द्रव्य कहलाते हैं। इसलिए इन्हीं दो द्रव्यों के बीच के संबंध के कारण से ये संसार चलता है, और जब इन्हीं दो द्रव्यों के संबंध में जब विच्छेद हो जाता है तो उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। समझ आ रहा है? निश्चय से तो इनका स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव चैतन्य भाव, चेतनामय, उपयोगमय है, लेकिन व्यवहार से कसाय वाला भी है, राग वाला भी है, द्वेष वाला भी है, मोह वाला भी है, संकलेश वाला भी है, विशुद्धि वाला भी है, सब ये कैसा है, व्यवहार से ये सब जीव है। समझ आ रहा है? ऐसे ही निश्चय से पुद्गल द्रव्य कैसा है, अपने स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही है, लेकिन व्यवहार से वह जीव आत्मा के साथ में जो कर्म पुद्गल मिल जाते हैं तो उन पुद्गलों में भी कसाय भाव, राग भाव उनमें आ जाता है, तो वह भी पुद्गल भी जो है राग वाला, कसाय वाला, अंतराय वाला, मोह वाला वह पुद्गल कर्म कहलाने लग जाता है। क्योंकि आठ प्रकार के कर्म अलग अलग भावों में कैसे आ गए, तो जीव के भाव के कारण से उनमें आठ प्रकार के विभाजन हो गए, नहीं तो कर्म में विभाजन क्या, कर्म तो कर्म था, एक ही था वो, तो नहीं समझ आ रहा, पुद्गल तो पुद्गल ही था, उसको हम कह रहे हैं ये ज्ञानावरणी कर्म, ये दर्शनावरणी कर्म, ये मोहनी कर्म, ये अलग अलग कहने की जरूरत ही क्या है। तो ये विभाजन कैसे आ गया, ये जीव के परिणामों के कारण से उसमें विभाजन आ गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे जीव और कर्म पुद्गलों का आपस में ये सब संबंध चल रहा है, और इसको अगर हम एक तरफा मानेंगे या एक ही संबंध पर हम ध्यान देंगे तो वो हमारा एकांत मिथ्यात्व का भाव कहलाएगा। उससे बचने के लिए इन सिद्धांतों को समझना। जीवादि द्रव्य छह ये मिलते गाथा तथा अनित लोक वही वहाँ, केवल अलोक सदा सुहाता ऐसा वसंत तेलिका, चैतन्य स्वरूपो चैतन्य स्वरूपो हम, जीव द्रव्यो हम, जीव द्रव्यो हम, जीव पुद्गल निबद्धो हम, जीव पुद्गल निबद्धो हम, सो हम, सो को आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। उपादठिदि भंग पोगल जीव पगस लोगस परिणामा जायन्ते संघा दादो वभे दादो। उपादठिदि भंग
संग दादो वभेदादो। अब यहाँ पर जो जीव और पुद्गलात्मक लोक है उसके अंदर जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है उसका कारण बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि ये लोक किससे चल रहा है। लोक किमात्मक है तो आचार्य कहते हैं पोगल जीवपगस्य लोकस्य। लोक माने यह संसार, यह तीन लोक जो हमें दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, वह तीन लोक में जो कुछ भी है वह क्या है? पुद्गल और जीव है। लोक में वैसे तो छह द्रव्य भरे पड़े हैं लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, लोक कैसा है? पोगल जीवपगस्य। लोक जो है केवल पुद्गल और जीवात्मक है क्योंकि अन्य जो छह द्रव्यों में चार द्रव्य हैं जीव और पुद्गल के अलावा, वे सभी द्रव्य शुद्ध द्रव्य के रूप में ही होते हैं। उन द्रव्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी वैभाविक परिणमन नहीं होता है। उन द्रव्यों में किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया घटित नहीं होती है सिवाय उत्पाद व्यय और द्रव्य के। इसलिए जो वास्तव में लोक जिसे हम जान रहे हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं या जो हमें दिखाई देता है, वह लोक उन्हीं के लिए है जो जीव और पुद्गल के साथ में चल रहा है। लोक्यन्ते इति लोक। देखे जाएं जहाँ पर छह प्रकार के पदार्थ उसे लोक कहते हैं लेकिन छह पदार्थों में देखने में जो आने वाले पदार्थ हैं वो वास्तव में दो ही हैं, जीव और पुद्गल। और इन जीव और पुद्गलों में भी वास्तव में देखा जाए तो दिखाई पड़ने वाला पदार्थ पुद्गल ही है, जीव भी दिखाई नहीं देता। हम अपनी श्रद्धा से जीव को मानते हैं कि ये जीव पदार्थ है लेकिन दिखाई तो वास्तव में केवल पुद्गल ही देता है। और अगर हम थोड़ा सा भी शरीर से हटकर के, इस पुद्गल से हटकर के किसी अन्य चीज की कल्पना करते हैं जो भीतर है, है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो उसे भी लोग एक मन के रूप में जानते हैं। मन को ही लोगों ने चेतना मान रखा है। कई ग्रंथों में, शब्दकोशों में मन, मस्तिष्क, विचार, चिंतन, भाव, चेतना, आत्मा, ये सब एक ही पर्यायवाची माने जाते रहे हैं और अभी भी किन्हीं कोशों में ये चीज़ें एक मानी जाती हैं। कारण कि जो दिखाई देता है वो तो हम मान लेते हैं, जो दिखाई नहीं देता वो हमारे लिए केवल श्रद्धा का ही विषय बनता है। हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं लेकिन जिन लोगों को ये कभी भी चेतना नहीं दिखती तो वह उस चेतना के अस्तित्व को कभी स्वीकारते नहीं है। वे हर चीज़ को मन से ही घटाते हैं और मन तक ही उनका एक कहना चाहिए ज्ञान का विकास जाता है और मन के आगे उनकी गति रुक जाती है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यह लोक जो है वो जीव और पुद्गलात्मक है, तो जीव का मतलब यहाँ पर पुद्गल से भिन्न द्रव्य है जो पुद्गल के साथ रहते हुए भी अपना लक्षण, अपना भाव जो है वो जीव पुद्गल से अलग रखता है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव को ही मुख्य रूप से हम यहाँ पर अपने ज्ञान में लाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम दुनिया की बात को देखते हैं या हम अपने अनुसार सोचते हैं तो हमारे लिए ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में जीवन चलता कैसे है, जीव से चलता है कि मन से चलता है कि या और किसी बाहरी शक्ति से चलता है। ये खोज हमेशा से रही है और अभी भी लोगों के दिमाग में जारी है क्योंकि सभी ने शरीर और मन तक ही अपना
ज्ञान पहुंचाया है, आत्मा तक किसी ने कोई ज्ञान नहीं पहुंचाया। चेतना कहते हुए भी लोग मन से भिन्न किसी चेतना के अस्तित्व को आज भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान को तो सारा विज्ञान मन पर ही डिपेंड है। आत्मविज्ञान तो दुनिया में शायद बना ही नहीं है। मनोविज्ञान तो बना है लेकिन आत्मविज्ञान तो किसी भी वैज्ञानिकों ने या पश्चिम के किसी भी विचारकों ने बनाया ही नहीं। यहाँ तक कि भारत के भी विचारकों ने उसी मन पर ही जोर दिया, कुछ लोगों को छोड़कर। तो ये एक बात सामने आ जाती है, इसीलिए हर कोई मन की शक्ति और मन के ऊपर ही डिपेंड होकर के जीवन की चलाने की शुरुआत करता है। यस्य सारत्रयम् शोभते भूतले, यस्य वाणी प्रमाणित्मका मन्यते, श्रीमुषीयस्य मोहा दिभिः शून्यका।